अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे भाई व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक। तो चॉकलेट केक की रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलें, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हमें चॉकलेट केक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने लिया है 4 अदद अंडे, 1/4 कप और 1/4 कप, 1/2 कप प्लस 1/4 कप शुगर पाउडर लिया है। इसको अच्छे से बीट करना है। ये देखें, मैंने इसे इतना बीट किया है, तकरीबन 5 मिनट तक मैंने 7 स्पीड पर बीट किया है, तो अब ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया है। आपको भी इसे इतना ही बीट करना है। इस पॉइंट पे ये 1 कप मैदा है। 1 कप मैदे में से मैंने 2 टेबल स्पून मैदा निकाल दिया है, क्योंकि 2 टेबल स्पून हम इसमें कोको पाउडर ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और मैदा। मैंने इसे छान लिया है, आप भी छान लीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे साइड पर रख देंगे और अपने एग वाले बैटर में 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा बीटर से और बीट कर लेना है। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने मिक्स करके रखा था अपना मैदा कोको पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करने का तरीका देख लें। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ये जो हमारा मैदा वगैरह हमने रखा था, इसे डाल के इस तरीके से फोल्ड करते रहना है। याद रखिएगा, इसे बीटर से नहीं, स्पैचुला से फोल्ड करना है। और ये देखें, अब जो बच गया है मैं इसे भी डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 4 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके डाला है, एकदम से मैंने नहीं डाला, आप इस बात का ख्याल रखिएगा। इस तरीके से फिर से आपने फोल्ड करना है। ये देखें, इसे अच्छी तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया और अब इसमें कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। इसे हम और फोल्ड करेंगे दोबारा से, अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। ये चॉकलेट सिरप मैंने घर में बनाया है। मैंने 200 ग्राम चॉकलेट को 1/2 कप मिल्क में, 1/2 कप और 2 टेबल स्पून मिल्क में पकाया है। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ये चॉकलेट सिरप आपने इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसे अच्छी तरीके से मैंने चॉकलेट सिरप डाल के मिक्स कर लिया है और अब ये देखिए, ये मोल्ड है और मैंने इसे ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। अब हम केक का बैटर अपने मोल्ड में डालेंगे। केक का बैटर डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरीके से ऐसे टैप करना है, अच्छी तरीके से टैप कर लेना ताकि देखिए जो बबल्स हैं ये निकल जाएं। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने अपने पतीले को तकरीबन 10 मिनट तक प्री हीट कर दिया था मीडियम फ्लेम में और अब हम इसे कवर कर रहे हैं। इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम लो फ्लेम में केक को पकाएंगे और अगर आप ओवन में पका रहे हैं तो 180 डिग्री पे आपने इसे 5 से 10 मिनट तक, 10 मिनट प्री हीट कर लें, उसके बाद 15 से 20 मिनट तक पका लें, आपका केक बेक हो जाएगा। पतीले की टाइमिंग है। अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर रहे हैं।
फ्रॉस्टिंग तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 कप क्रीम, 1 कप। ये देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। तो व्यूअर्स ये देखें हमारे 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखें केक बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हो चुका है, टूथपिक में केक बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें ये बटर पेपर रिमूव कर रहे हैं। केक को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं साइड पे। यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप दूध, 1 खाने के चम्मच शुगर पाउडर, 1.5 खाने के चम्मच मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड कर दिया है। आप 1.5 डालना चाहें तो 1.5 ऐड कर दें, 2 डालना चाहें तो 2 चम्मच ऐड करने से। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए केक को मैंने स्लाइस में काट लिया है और अब इस दूध के साथ सोक कर रही हूँ। केक को सोक करना बहुत ज़रूरी है, इससे केक सॉफ्ट होता है। अच्छी तरीके से सोक कर लिया है और अब हम इसमें क्रीम लगाएंगे। क्रीम कम लगाना है या ज़्यादा लगाना है ये आपके ऊपर है। क्रीम लगाने के बाद चॉकलेट सिरप जो हमने तैयार किया था हमें इसे अच्छे से लेयर कर देनी है इस पे। लेयर है हम इसे इस तरीके से रख देंगे। और इसे जो साइडों पे क्रीम है इसे इस तरीके से लेवल कर देंगे। और अब हमें इसके ऊपर ये देखिए अब इसको हम इस तरीके से डिज़ाइन बना देंगे। ये डिज़ाइन बन गया। तो गाइस ये देखें तैयार है हमारी मज़ेदार चॉकलेट केक। इसे 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखें, उसके बाद ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और मेहमान को भी सर्व करें। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी है। तो व्यूअर्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।